किसी के सामने लिखते वक्त हाथ कांपना, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। राइटर्स क्रैम्प ऐसी बीमारी है कि जिसमें लोगों को लिखने के समय हाथ कांपता है। क्या होता है कि जैसे ही पेन हाथ में लिया तो पूरे हाथ का जो हिस्सा है, शोल्डर से कंधे से लेकर नीचे तक, ऐसा पूरा स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है, और फिर पेन का मूवमेंट जो है या उंगलियों का मूवमेंट वो होता ही नहीं है। ऐसा कड़क हो गया फिर लिखने होता नहीं, फिर आप जबरदस्ती और कोशिश करो तो हाथ कांपेगा। हाथ रिलैक्स ही होता नहीं, उंगलियां एकदम टाइट कॉन्ट्रैक्टेड जैसा, पूरा हाथ टाइट स्टिफ एकदम, और फिर उनको लिखने आता नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि बैंक में जाओ, सिग्नेचर मैच नहीं होती, कहीं कुछ लिखना है तो लिख सकते नहीं है किसी के सामने, और फिर उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम कंटिन्यूसली आते रहता है। बाकी कुछ उनको रहता नहीं, बाकी सब नॉर्मल रहता है। तो जो व्यक्ति ऐसे आते हैं तो उनको स्पेशली किसी के सामने लिखना है कुछ तो लिख सकते नहीं है, हाथ स्टिफ हो जाएगा। फिर अभी कुछ विद्यार्थी रहते उनको ऐसा हो गया तो फिर एग्जाम में लिख सकते नहीं है। कुछ लोग जो ऑफिस में काम करते कर्मचारी है जिनको लिखने का काम पड़ता है, वो सामने बॉस आ गया, सामने बॉस ने बुला लिया है, बॉस को जल्दी अपने को राइटिंग में देना है कुछ तो लिख सकेंगे नहीं, और फिर उनको प्रॉब्लम रहता है। ये कुछ लोगों में जेनेटिक है, मतलब फैमिली में किसको हुआ है तो इनको भी हो जाता है। अभी ये जो बीमारी है ये कभी कभी ज्यादा हो जाती है कुछ स्ट्रेस आ गया तो। जैसा अभी मेरे पास में जो आज एक लड़का आया था उसने फोन किया, तो उसका उसकी शादी हो चुकी है, उसको दो बच्चे हैं, मगर उसको गर्लफ्रेंड भी है। अब गर्लफ्रेंड जो है उसके साथ में उसके ताल्लुकात है, रिलेशनशिप में है, शादी भी हो चुकी है, उसको पिछले 3-4 साल से ये राइटर्स क्रैम्प है। हाथ कांपते रहते एकदम स्टिफ हो जाएंगे, कांपेंगे सही नहीं कर सकेंगे। और अभी 6 महीने पहले वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी हो गई, जैसे उसकी शादी हो गई इसकी बीमारी एकदम बढ़ गई, बहुत टेंशन आ गया। अब तो बोले मेरे को लिखने को भी डर लगता है, हाथ में पेन पकड़ने को भी डर लगता है, और अभी मेरे बैंक के जो व्यवहार है वो भी कैसे करना समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने बोला भाई हम आपको दवाई देते हैं, दवाई देके एक रिलैक्सेशन की ऐसी दवाई देंगे जिसमें हाथ रिलैक्स हो जाएगा, कांपेगा नहीं, बाकी वैसे भी आपको जो डर रहता है, एंग्जाइटी है, वो भी कम करेंगे हम दवाई से, और हाथ को रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज देनी पड़ेगी। हिप्नोथेरेपी में हाथ पूरा रिलैक्स करना है, पूरा बदन रिलैक्स करना है, और हिप्नोथेरेपी में कल्पना करना है कि आप किसी के सामने लिख रहे हो, हाथ पूरा रिलैक्स है और आप लिख रहे हैं। तो ऐसा ट्रेनिंग ब्रेन को अपना अपने को देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन को मालूम नहीं है कि आप सचमुच किसी के सामने हैं या आप काल्पनिक किसी के सामने हैं। तो ब्रेन को लगता है कि अपन सचमुच किसी के सामने हैं जब आप कल्पना कर रहे हो, और उस समय फिर हाथ में पेन पकड़ के धीरे 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 लिखने की प्रैक्टिस करना है, हाथ रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करना है, एकदम रिलैक्स करना है, और ये प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 फायदा होते जाता है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। हमारा ऐप है वो आप डाउनलोड करो, उसमें फ्री चैटिंग हो सकती है और हमें आप कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ साइकेटिस्ट का पैनल है, वो आपको जवाब देगा आपके कॉल्स का। और हमारा जो मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपकी भी पार्टनरशिप हमें चाहिए। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।